आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। जनपद हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव बौनी में गेहूं के खेत में हाई टेंशन बिजली की चिंगारी गिरने से लगभग 25 बीघा गेहूं जलकर खाक हुआ। खेत में आग लगने से मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने अथक प्रयास से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया तब तक किसान की मेहनत हो चुकी थी खाक। ग्रामीणों में फैला आक्रोश। देर से पहुंचे फायर कर्मी ग्रामीणों को सफाई देते नजर आए। अभी दो दिन पहले भी यहीं पड़ोस के गांव बंदीपुर में भी बिजली के तारों से गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी है, फिर भी नहीं चेता है। विद्युत विभाग नहीं करवा रहा है जर्जर लाइनों को चेंज। भैया जवाब नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो वो किस सत्य कह रहे हो? हम तुम में से ही हम कोई सत्य नहीं है, हम सत्य कह रहा हूँ। जाको साथ है, जाको और पास ये बात है सफाई। ये पकने बनाए ले जी का बात है। पकी हुई फसल एक तरह से बारूद है। बारूद है, सही बात है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं पैसे बात कर रहा हूँ। भैया जैसे ही खबर पहुँचे चली गई रास्ते में। अब हमें मेरी बात सुनो, रोड कितना आप देख रहे हैं, कितना अच्छा रोड है ये हाथरस से, और दो रेलवे रोड भी तो खराब था। अरे रोड ऐसा पाइप पीटो पाइन डीएम साहब ये चल रहे हैं। चलो पहले चलो सारे यहाँ बिजली घर पे। अरे बिजली घर पे जाओ सारे, वहाँ पहले खेते दे दो सारे कोई में। हाँ और चलो ले चलो बिजली घर पे। बिजली घर पे।